अमर सत्य प्रायोजित कार्यक्रम गीतसिंधर अमृत बिंदु को आपण मानक स्वागत जनाऊँ मु श्रीमती कादंबरी स्वाई पूर्व अध्याय आपण मैंने शुणी उत्कल घंटा कवि जदुमणि महापात्र प्रबंध पूर्णचंद्र काव्य जेकि रुक्मिणी प्रभु श्रीकृष्ण को तंकर अंतर्वेदना एक चिट्ठा बा पत्र माध्यम जनाई आज आम तार द्वितीय पद शुणापी आम निकट उपस्थित अच्छा पंडित रमाकांत मिश्र महोदय आम सारेदन करवा से द्वितीय पत्र रुक्मिणी प्रभु श्रीकृष्ण को कौन पत्र दे सर नमस्कार नमस्कार पूर्व अध्याय आपण आम श्रोता मान को रुक्मिणी से आत्मभरा कहानी पत्र मध्यम शुणाई वर्तमान आपण द्वितीय पदर रुक्मिणी कौन कहते श्रोता मान आज टे गाई शुणा देख कवि जदुमणि महापात्र जे कि उत्कल घंट पदवी प्राप्त रचना होची अनन्य अनन्य रचना से कवि आमर षष्ठ कला प्रबंध पूर्णचंद्र काव्यर षष्ठ कलार अष्ठ पदरे देवी रुक्मिणीकर छिटाउरे जहाँ कही आलोचना होता आज देवी रुक्मिणी ये जो अंतर्वेदना को सप्तम पदरे षष्ठ कलार सप्तम पदरे किपर जनाई से कथा मुझे आपन ध्यान देखिए शुणु कवि कौन लिखुं एहंक परित्राण विनोदे विचक्षण हेल तनु तनु ज भाई घुंची गला प्रलय बंछिले मार्कण्डेय उच्चारी अछनुह दुई हे ब्रजस्थाई माने तुम्भ आनंद दाई थर धारणे हेल कुंभी कुंभीर हिंसा रंभे तुम्भ प्रशंसा थमसाका हिंकि गल दे हे ब्रजस्थाई माने तुम्भ आनंद दाई देखो मा ये जदुमणि महापात्र छांद रीति जुगर कविमान कविमान जदुमणि महापात्र एक बलिष्ठ अद्वितीय एवं अनन्य प्रतिभा तेणु तांकर छांद गुड़िक अब्द योजना जेपरी रही भावी चिंती ठीक भाव अर्थ करने को पड़ब देवी रुक्मिणीकर चिटाउर तृतीय पद भाव जदुमणि महापात्र लिखिंट से रुक्मिणी कहते परित्राण विनोदे विचक्षण एल तनु तनुज भाई कवि कहते रुक्मिणी कथ अनुजाई ये पूर्व पदरे सुवर्णना करा आम जहाँ अर्थ करें से भगवान कौन करते ना वेद पोचे की उद्धार कर ब्रह्मा को दे इंद्रंकर विपत्ति को छेदन करने एक कर्तरी निर्माण करते त्रेतया जुगरे जहाँ कर्तरीर दुईटी धार थिले गोटे भल्लुक
आ गोटे मर्कट ये दुईटी धार निर्मित अतुरी इंद्र विपत्ति काटी आउ गोटे कथा कही पदांगुली ढाली ब्रह्मशील स्पुड़ी ब्रह्मशील गंगा जल ये गंगा जल को निज पाद आंगुली अजाड़ी दे महादेव गरल जला को तुच्छ कर पूर्व पदर मर्म यही पदटी ताकू संपर्क करी देवी रुक्मिणी कहते परित्राण विनोदे विचक्षण एल ये ठाकुर परित्राण एम रक्षा एम किए क्षण हेले शिव क्षण हेले ब्रह्मा एवं जन हेले इंद्र सर एठी आपण को मते प्रश्न करबी आमे जानिबे को चाहू जे ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा आउ शिव भगवान विष्णु कर तनंज भाई कि परि हेले ए कथा मु बुझौ आगे ए कथा बुझौ छी एंड ये कोनी जुक्ति दउ चंती ये जो तीन जण को तुमे रक्षा करलो बा उद्धार कल एम जड़े तुम तनु जड़े तुम तनुज आउ जड़े तुम भाई तनु किए तनु हूं महादेव महादेव हूं भगवान तनु बा शरीर मैंने शरीर एक अंश हूं कि महादेव कहीं किपर ना आम प्रायतः अधिकांश शिव मंदिर को गले शिवलिंग आम देखू मझे गोटे रेखा रही था आम को पूजारी मैंने कहते ये फाड़े होती हरि फाड़े होणु हरि आर ये एक आत्मा ये अभिन्न बोली बहु शिव मंदिर आम देखू या व्यतीत अन्य प्रमाण रही ये प्रमाण टी कौन ना निजे भगवान कही ममात्मैव महादेव ब्रह्म मदगत्र संभव सुरेश मम भ्राता च वक्ष्यामि श्रृणु नारद नारद आगे भगवान कही ममात्मैव महादेव महादेव मोर आत्मा ये विचार करवा गोटे देह को आम विभाग विभक्त करवा गोटे ये स्थूल शरीर दृश्यमान एवं अदृश्यमान शरीर हूँ कि सूक्ष्म शरीर हूँ आत्मा एणु हे महादेव भगवान विष्णुकर शरीर भितर महादेव हूं आत्मा एणु देह हूं भगवान ए देहर आत्मा हूं महादेव यही कारण हरि हर विष्णु एवं शिव ये हूं एक एवं अभिन्न एणु रुक्मिणी कहले तमें जो ये शिव को गरल ज्वाला तुच्छ कल गंगा जल अजाड़ी से तो शिव जी तमें सीए तमें को अन्य लोक दुख गुड़ाक दूर करदे कि अन्य लोकर दुख तुम दूर करना या द्वितीय कहले ब्रह्मा कथ ब्रह्मा कौन ब्रह्मा तुम तनुज तनुज तन जायते इति तनुज जी तनुरु जात कहती तनुज अर्थात पुत्र एवं देखा आमर पुराण मत अनुसार भगवान जन्म हेबा पर निज को सृष्टि करिबा पर नाभि एक पद्म सृष्टि एवं से नाभि पद्म जन्म होते कि ब्रह्मा एणु ब्रह्मांकर अन्य नाम होचि नाभि जन्मा पद्मोद्भव कमलोद्भव इत्यादि तांकर नाम रहिछि भगवान विष्णुंकर नाभि कमलरु ब्रह्मांकर सृष्टि यही कारण ब्रह्मा तनुज अर्थात ब्रह्मा पुत्र
शिव हेले थनु ब्रह्मा हेले तनुज तेणु तमे ब्रह्मांकर वेदपति की उद्धार करी थांकु देल शंखासुर को मारिल एथिरे बहादुर नबार किछि ना कारण ब्रह्मा तो तमरो पुओ एवं तमे निज कथा निज विपत्ति को निज खंडन कल आन्न कह दुख को दूर कर तम घर कथा सब एणु पुणी कहते आंद्र कथ कह इंद्र हूं तुम भाई तुम्हें कही सुरेश मम भ्राता च मोर भ्राता मोर भाई हूं देवराज इंद्र इपरी सी हूं इंद्र आम हूँ उपेन्द्र इंद्र उपेन्द्र आम दुई भाई यही न्याय से इंद्र कश्यप एवं अदिति सुत होती किए इंद्र इंद्र परवर्ती पर्याय भगवान अवतार रे विभिन्न अवतार रे कश्यप एवं अदिति जन्म नहीं विशेषतः आम दशावतार मध्य छोटा बामन अवतार ये बामन अवतार रे कश्यप अदिति गर्भर जन्म होती किए ना बामन तेणु ये अच्छी पुराण बुझे तेणु ये जो जन्म हेले ये भगवान ये हिसाब से आगर इंद्र थे पर से बाप मान जन्म होती भगवान तेणु तर सान भाई इंद्रा बरज बोली कहा जाए उपेन्द्र इंद्रा बरज चक्रपाणी चतुर्भुज ये कथा अमरकोश लिखा अच्छी उपेन्द्र एवं इंद्रा बरज इंद्र युक्त अबरज या माने इंद्रंकर अबरज माने सान भाई इंद्रंकर सान भाई होती गोविंद बा भगवान तेणु रुक्मिणी कहले तृतया खरे अमे इंद्रंकर विपत्ति के काटी रावण को विनाश कर भल्लुक अमर कट रूपक दुईटी धार गोटे खतुरी तैयार कर इंद्र विपत्ति विच्छेदन कल यहाँ तुम अन्न करना इंद्र हूं तुम भाई एणु पूर्व पदरे जहा कहला ये महादेव को सुरक्षा दवा एवं ब्रह्मा को सुरक्षा दवा आंद्र को सुरक्षा दवा ये पदरे से कथा देवी रुक्मिणी कहते परित्राण विनोद एमानंकु परित्राण करिबार आ करिबार जो विनोद जो कौतुक एमानंकु रक्षा करी विनोद अर्थात आनंद प्रदान करिबार तुम्हें विचक्षण दक्षता तुम देखेइतुल हेले ये होचंती तुम्हारा तनु तनुज एवं भाई या व्यतीत आ गोटे उदाहरण से दौरान रुक्मिणी कहते घुंची गला प्रलय घुंची गला प्रलय बंचिले मार्कंडेय उच्चारी अच्छ नुह दुई ये प्रलय जल रे मार्कंडेय ऋषि जिते बड़े भाषी जाऊले बेले तुम्हें मार्कंडेय को उद्धार कर ए कथा शास्त्र पुराण रे कथित अच्छे से तमें पुराण मान स्वीकृति दे मार्कंडेय मोहटार भिन्न नुहति आम दुई नुह आम हूँ एक कारण मार्कंडेय सप्तकल्पांत जीवी सी सातकल्प बचार बर पाई हेतु ये भगवान समपक्ष समत्व ग्रहण करणु ये कथा रुक्मिणी कहले मार्कंडेय मुनि को रक्षा करिबार हे तुम किसी प्रशंसा ना कारण तुम्हें दुईज हूँ समान या परे आउ गोटे कथा रुक्मिणी कहते ब्रजस्थायी माने तुम्भ आनंददायी
थर धारणे हेल बाई ब्रज पुररी गोप फुररी सेत गिरि गोवर्धन पूजा तुम्हें बंद करदेल बंद करवा पर इंद्र सहित तुम बिवाद हला बिवाद हला जहाँ को विभिन्न काव्य कवित कवि मान वर्णना करना ना इंद्र शपत दिन वृष्टि कला बद्रा पथर बर छा छत्र आकार गिरी बर धरी गोप संपद रखिले मुरार ये जो कथा अच्छी पुराण तो समस्ते जानती तेरे तमें गोपुर को तमें कहीं रक्षा कर ये रुक्मिणी जुक्ति दौर ब्रजस्थाई ब्रजवासी आ ब्रजवासिनी गोपाल एवं गोपी गोप गोपी ये माने तुमको आनंद प्रदान करते विशेषतः तुम निकट टे रसिकता अच्छी तेणु गोपिका माने तुमको जो स्नेह आह्लाद तुमको प्रदान करते तुम मन को आनंद दौरान हेतु तुम्हें धर धारणे हेल भाई धर कहले पर्वत धारण करवा टेकवा तेणु पर्वत टेकवा रे तुम भाई हल केत ना इंद्र जो बद कला तुम पर्वत को टेक गोपपुर को रक्षा कल तेणु यहाँ है कौन ना तुमको से मैंने आनंद दौरु से मैंने तुम निज लोक भाविक से निज लोक मान रक्षा आउ गोटे कथा हूँ कुंभी कुंभीर हिंसा रंभे तुम्भ प्रशंसा ध्वंसा कहीं गल दे कथा रुक्मिणी पचारे जो कुंभी आंभीर कुंभी कहले किए हस्ती हाथी की कह जाए कौन कुंभी कहीं कह जाए हाथी कुंभी ना हाथीर जो कपाल दी भाग हो जा मझे दीपटा जोड़ाए मंस गदा रही हाथी ताकू कहती गजकुंभ ये कुंभ थीबा हेतु हाथी को कह जा कुंभी तेणु कुंभी कहले गज एवं कुंभीर कहले ये पानी बास करुवा कुंभीर गज कुंभीर जिते बड़े बिवाद हला से गजराज तुमको चिंता कर गजराज चिंता कर तुम्हें सुदर्शन चक्र को प्रेषण कर कौन कल ये कुंभीर मस्तक काटिल एवं निजे उपस्थित हल गजराज तुमको चाहिए मुक्ति पाइला एवं कुंभीर मध्य मला बेले तुमको चाहिए मुक्ति पाइला तुम हाथ चक्र मरी हाथ मुक्ति पाइला ये जो काम तुम कर गज एवं कुंभीर बिवाद समय कुंभीर को मारी गज को उद्धार कर ये जो प्रशंसा और जो ध्वंसा ध्वंसा कहले पताका ध्वंसा शब्द अर्थ हूँ पताका तेणु प्रशंसार सब पताका ये पताका तुम बेकार उड़ी ए पताकार किसी मूल्य ना कौ पताका ना कुंभीर कुंभारी गज को उद्धार करवा जो प्रशस्ति छौ जस छौ प्रशंसा से पताकाटा तुम किसी मूल्य ना से पताका मूल्य कहीं मूल्य है ये कथा ये परवर्ती पदरे कह यही पदटी रुक्मिणी भगवान को निकट को जनाऊंट तुम्हें बहुत रक्षा करु ये रक्षा गुड़ाक किसी मूल्य ना लाभ ना ये कथा कह धन्यवाद सर कवि वर्णना चतुर्थ सह आपणकर विश्लेषण बेस उपयोगी आश्चित मुँ आशा कर आम दर्शक मान हृदय को निश्चित भाव स्पर्श कर हाँ दर्शक बंधु आज आम रोच पी आगामी अध्याय आम पी गीत सिंधुर आउ गोटे नुआ बिंदु नहीं आपण निकट में पहुंचा।